चलो देखे अपना देश किसी एभली थीम नहीं अर्गस आयोजन करछि महाकनक्लेव जो अनेक अतिथि सामिल होती आम सहित आज सामिल अच्छा डॉक्टर एसन जे कि डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ काश्मीर टूरिज्म सहित आज आलोचना करवा कथा हबा। सर पहले तो आपको स्वागत करती हूँ अर्गस न्यूज़ को। आप सब इसके बारे में जानते हैं, फिर भी ये जो अर्गस न्यूज़ चैनल अभी कनक्लेव कर रहा है टूरिज्म को लेकर, क्या मानना है आपका? गुड मॉर्निंग। अभी जो मैंने पहले भी कहा, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। इट्स जो कॉन्क्लेव था वो इट वाज मोर देन ए टूरिज्म इवेंट। ये एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़ ही नहीं बल्कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स में कहूँगा, जिसमें बहुत सारी स्टेट्स के प्रतिनिधित्व आए थे और हर एक को हर दूसरे राज्य को जानने का एक मौका मिला। टूरिज्म फ्रेटर्निटी से लोग थे, उनको एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बात करने का और ज़्यादा करीब से देखने का मौका मिला। आपको मालूम है कि पिछले 2 साल कोविड की महामारी रही और इसकी वजह से जो फिज़िकल इंटरेक्शन वो बहुत कम रहा, वर्चुअल ही सारा रहा। और उसके बाद अब ये पहली बार, अब चूँकि अब खुल गया है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़ खुल गई हैं, तो उस सिचुएशन में जो 2 साल का एक एक्सपीरियंस हमारा रहा कि मिले जुले नहीं, तो एक अच्छा, इट वाज अ वंडरफुल आइडिया एंड आई विश द आर्गस कंटिन्यूज़ विद इट्स मिशन एंड आर्गस कंटिन्यूज़ विद सच इवेंट्स। मोर सो इसके दौरान जितने भी पार्टिसिपेंट स्टेट्स थे या टूर ऑपरेटर्स थे, उनको उड़ीसा को क्लोज से देखने का मौका मिला, वो अच्छी बात थी। यस, जैसा कि आपने, आपको मालूम है कि इस इवेंट, इस कॉन्क्लेव का भी एक स्लोगन है, देखो अपना देश। तो जो एक एफर्ट चला है कोविड के चलते कि आप सबसे पहले अपना इमीडिएट नेबरहुड में विज़िट करिए, आप अपने इमीडिएट जो नेबरिंग स्टेट है, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ विज़िट करिए और उसके बाद आप विद इन कंट्री आप ज़्यादा से ज़्यादा घुमा फिरा करिए, तो डेफिनेटली उसमें एक स्कोप बनता है कि जो फॉरेन जाना एफर्ड नहीं करते हैं या तो वो विद इन कंट्री टूर करें, विद इन कंट्री विज़िट करें, अपनी लोकेशंस को अपने स्टेट में, अपने यूटी में, उसके बाद नेबरिंग जो राज्य हैं, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं। कोविड के बाद से टूरिज़्म की परिभाषा बदल गई है, अब तो उसको हम एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म कहते हैं, जहाँ पे हेल्थ जो फैक्टर्स हैं, हेल्थ प्रिकॉशंस भी हों और जो ट्रैवलर है उसको भी एक सेफ होने का एक फील मिले। हाँ, ऑनेस्टली आपने बहुत अच्छा सवाल कहा। अगर उड़ीसा आए हैं, काश मेरे पास समय होता तो मैं कालाहांडी जाना पसंद करूँगा। मुझे याद है बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे, स्कूल में होते थे, तो कालाहांडी का नाम अक्सर सुना जाता था फॉर फार्मर सुसाइड, ड्राउट के लिए। और आज आप देखते हैं देयर हैज़ बीन अ टर्न अराउंड। कालाहांडी को अब राइस बाउल कहा जाता है, उड़ीसा ग्रीन उड़ीसा है, भुवनेश्वर नया भुवनेश्वर बन चुका है। तो ये चीज़ें देखने की हैं हम सब लोगों को कि आपने कैसे वो टर्न अराउंड किया कालाहांडी में, भुखमरी से कैसे आप निकल आए, उसको राइस बाउल कैसे आपने, वाटरशेड मैनेजमेंट आपने कैसा किया। सेकंडली कल ही मैं अपने ये जो हमारे मित्र थे उनको कह रहा था कि अक्सर यहाँ पे जो स्नो स्टॉर्म वगैरह आते हैं तो यहाँ किस तरह से लोग और प्रशासन दोनों फिर क्विकली रिकूप करते हैं एसेंशियल सर्विसेज को, पावर सप्लाई को, हेल्थ को और फूड डिस्ट्रीब्यूशन को, विद इन अ डे और सो वो फिर नॉर्मलाइज होता है। वो देखने की चीज़ें हैं, उस साहस को प्रणाम करते हैं जो आपने दिखाया है कालाहांडी के सिलसिले में। इन वन लाइन, इट्स नॉट ए चैनल, इट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ आइडियाज, आई मीन लुकिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। डिस्कशन आपण शुणुले डॉक्टर एहसान, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ काश्मीर, जे कि कहते कलाहांडी राइस ऑफ बाउल, जे कहते महाप्रभु जगन्नाथ कथा, जे कहते आसाम होया गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी।